फ्रेंड्स, दिस इज फॉर क्लास 8 एंड द सब्जेक्ट इज सिविक्स चैप्टर फर्स्ट. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास अबाउट द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक सिस्टम, एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है और उस सिस्टम और व्यवस्था के अनुसार ही वो देश चलता है. तो उसके लिए एक नियमों का हम लोग एक स्वरूप तैयार करते हैं जो इंडिया में भी है, मतलब जिसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. तो उसके हिसाब से, उसके अनुसार ही कोई शासन चलता है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. और ये हमारे देश में है, जिसको हम लोग हिंदी में संविधान भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था. अब हम लोग देखते हैं विजन एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक ऐसे लिखते हैं ऑन काउ, तो पहले सोचते हैं कि हम क्या क्या उसका रूपरेखा तैयार करेंगे. तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई तो ये तय हुआ कि आखिर क्या क्या इसका उद्देश्य होगा, क्या क्या इसका लक्ष्य होगा, किस किस आधार पर इसको बनाया जाएगा. तो बहुत सारी चीज़ों को उसमें जोड़ा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें जो हैं वो मुख्य रूप से रहेंगी और इसके आधार पर ही हमारे देश का शासन चलेगा. अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका विजन और वैल्यू क्या है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या विजन है. तो जैसे कि आप कोई बुक लेते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन आपको उसके पहले ही पेज पर मिल जाता है. जैसे कि आपके बुक में, आपका ये बुक में क्या क्या खूबियाँ हैं इसके बारे में इस पहले पेज पर लिखा हुआ है. इसको आप पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिल जाती है उस बुक के बारे में कि इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं. वैसे ही हम अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो ये हर आदमी के लिए आसान नहीं है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ पाए. तो उसके जो मेन फीचर्स हैं उसको उसके प्रेम्बल में दिया गया है. सो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ एन इंट्रोडक्शन कॉल द प्रेम्बल. द प्रेम्बल स्टेट्स द आइडियल्स दैट द नेशन शुड फॉलो. क्या क्या हमारे संविधान की खूबी है, किस किस मुद्दे पर, किस किस इशूज पर वो संविधान बना है और काम करेगा, उन सब चीज़ों को प्रेम्बल में स्टेट किया गया है, बताया गया है. तो उसको आप अगर पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि हमारा संविधान जो है वो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना हुआ है, कैसे काम करेगा. तो उसका अगर आप प्रेम्बल को देखेंगे तो पहले ही लाइन में होता है, देखेंगे यहाँ, दिस इज द प्रेम्बल ऑफ दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला ही लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग. मतलब स्पष्ट है कि हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ताकतवर कौन है, कौन डिसाइड करता है. तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता है, कोई इंडिविजुअल नहीं करता है. वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि इस देश की सारी शक्ति, इस देश का पूरा पावर किसके अंदर है, तो यहाँ के लोगों के अंदर है. यानी कि सबसे बड़ा कोई है तो यहाँ के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ की जनता है. और इस तरह से उसमें सारे खूबियों को बताया गया है, जिसमें एक है पावर ऑफ. तो मेन पॉइंट्स क्या है इसमें, फर्स्ट है पावर ऑफ द पीपल यानी कि सरकार की जितनी शक्ति है वो किस में निहित है, जनता में निहित है. मीन्स पब्लिक, पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ के लोग डिसाइड करते हैं कि उनका शासन कैसा होना चाहिए, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनके जो जो विधायक या जो सांसद होंगे वो कौन से लोग होंगे, ये तय जनता करती है. वो वोट देती है और वो तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी. तो पूरी, मतलब लोगों को ये पूरा पावर है, पूरा अधिकार है कि वो जनता को, वो अपने तय करें कि वो सरकार किसकी बनाएंगे या सरकार किसकी नहीं बनाएंगे. यानी कि सरकार बनाने की पावर किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है. इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई है तो यहाँ की जनता है, सबसे ताकतवर कोई है तो यहाँ की जनता है. इसलिए आप देखते भी होंगे नेता लोग हमेशा कहते हैं कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हो, क्योंकि वो जानते हैं कि पब्लिक ही
तय करेगी कि कौन सरकार में जाएगा कौन सरकार में नहीं जाएगा। उसके बाद है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि हम अपना निर्णय अपने ले सकते हैं, वी कैन डिसाइड आवर प्रॉब्लम्स एंड शॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम्स। हम अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट हम अपने करेंगे, यानी कि हमारे देश के बारे में कोई निर्णय दूसरा आदमी नहीं करेगा। बिफोर 1947 हम लोग कॉलोनी थे इंग्लैंड के, तो हमारे देश के बारे में तय कौन करता था, निर्णय कौन लेता था, डिसीजन कौन लेता था, इंग्लैंड में लिया जाता था। यानी कि देश हमारा, लेकिन हमारा निर्णय हम अपने नहीं ले सकते थे, तो हम लोग सॉवरेन नहीं थे। बट आज के तारीख में हम सॉवरेन हैं, मतलब कि हम अपने देश के बारे में अच्छा बुरा भला जो भी निर्णय लेना होगा हमारी सरकार लेगी, हमें इंग्लैंड और हमें अमेरिका और हमें चाइना के सरकार से उसमें नहीं पूछना है या उनसे राय नहीं लेनी है या वो हमारे मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलिस्ट, मतलब हमारे देश में जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, सोशलिस्ट होगा। मतलब कि यहाँ पर अमीर गरीब सबको बराबरी का मौका मिलेगा, कोई भी रंग के आधार पर या फिर स्टेटस के आधार पर, धन दौलत के आधार पर कोई भी बड़ा और छोटा नहीं माना जाएगा, समाज को एक स्वरूप में लेकर के चला जाएगा। उसके बाद है सेकुलर। मीन्स सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता, मतलब कि जनता यहाँ जो भी है वो स्वतंत्र है अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करने के लिए। मतलब ये है कि सरकार के नज़र में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, मतलब देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन कंट्री। हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो इस्लाम वहाँ का सरकारी धर्म है, जैसे कि आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी वहाँ का सरकारी धर्म है, लेकिन हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबरी का मौका दिया जाता है। सरकारी धर्म कोई नहीं है या सरकार किसी धर्म विशेष के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई स्पेशल कोई काम नहीं कर सकती है या उसके लिए कोई विशेष वो उसको विशेषता या उसको दर्जा नहीं दे सकती है। नाउ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई राजवंश नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जिसको पब्लिक इलेक्ट करेगी, इलेक्शन होगा और जिसको पब्लिक इलेक्ट करेगी वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वही लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश में है। उसके बाद है रिपब्लिक। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया को कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में अंतर क्या होता है, वी पीपल आर एबल टू इलेक्ट आवर रूलर्स, हम लोग अपने रूलर्स को अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, सो वी आर डेमोक्रेटिक। लेकिन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। संविधान में सबसे बड़ा पद किसका है, प्रेसिडेंट का है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी जहाँ आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, जिसके चुनाव की जाती है, जो खानदानी नहीं है, जो डायनेस्टिकल नहीं है, जो कि वंशवादी नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर सबसे ऊंचे संविधानिक सबसे बड़े पद का यानी कि प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है और वो किसी वंशवाद के आधार पर नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो रिपब्लिक है। लेकिन जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वंशवादी यानी कि डायनेस्टी के रूप में होता है, वंश के रूप में होता है, खानदानी चलता है, तो वो हो सकता है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट इलेक्टेड हो, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वहाँ का इलेक्टेड नहीं होता है तो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक तो कहते हैं लेकिन रिपब्लिक नहीं कहते हैं। जैसे इंग्लैंड में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ पर पार्लियामेंट है, वहाँ पर एमपी चुनाव जीतते हैं, सरकारें बनती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जैसे कि हमारे देश में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर जो रोल प्ले करते हैं वहाँ की क्वीन करती हैं, यानी कि वहाँ की जो रानी है वो करती हैं, जैसे क्वीन विक्टोरिया वगैरह वगैरह, एलिजाबेथ का नाम आपने सुना होगा। तो इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। जैसे जापान, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ भी पार्लियामेंट होती है, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट का रोल वहाँ का सम्राट करता है, वहाँ के राजा करते हैं और वो वंश परंपरा में है, तो उसको हम लोग रिपब्लिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश में प्रेसिडेंट का रोल
जो इलेक्टेड होता है वो करता है, इसलिए हमारा देश डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिपब्लिक को अब ज़्यादा बढ़िया से समझ गए होंगे। उसके बाद जस्टिस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे रंग रूप भेद जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, सबके लिए समान जस्टिस है, सबके लिए एक कानून है। तो ये जस्टिस की बात हो गई। उसके बाद है लिबर्टी, हमारे देश में सारे लोगों को ये अधिकार है कि वो देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कहीं भी अपना काम कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यानी कि सबको आज़ादी है, कानून के तहत या संविधान के तहत लोगों को आज़ादी दी गई है। उसके बाद है इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ सब कोई सब किसी को एक समान रूप से देखा गया, सबके अंदर समानता की भाव रखी गई है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव संविधान की नज़र में तो नहीं किया गया है। एंड फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व भाईचारा, इस देश में रहने वाले सभी लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, सब हिंदुस्तानी हैं और इस नाते सभी आपस में भाई हैं और ये देश उनका है, इस चीज़ को मानना होता है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो प्रियम्बल से हम समझते हैं कि हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से रोल प्ले करता है और लोगों के प्रति और देश के प्रति इसका नज़रिया क्या है। तो इसको हम लोग प्रियम्बल से समझते हैं कि कैसे कानून हमारे यहाँ काम करता है और कैसे कानून सबके लिए बराबर है। समझ गए होंगे आप, इतना समझ गए होंगे मुझे पूरा पूरा उम्मीद है। इसके बाद एक और दिन हम क्लास लेंगे जिसमें हम हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे और गवर्नमेंट कैसे काम करती है और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कैसे होते हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।